तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सैमसंग और किन किन डिवाइसेस में जो एंड्रॉयड 13 बेस्ड बनी वाई 5.0 का बीटा अपडेट है वो देने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक, ना बेलाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग ने अगस्त के महीने में S22 सीरीज के लिए जो बीटा था वो रिलीज किया था वन यूआई 5.0 का। सबसे पहले S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा तीनों ही डिवाइसेस में हमें सबसे पहले अपडेट देखने को मिला था। उसके बाद सैमसंग ने सितंबर के महीने में सैमसंग S21 सीरीज के लिए S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा तीनों ही डिवाइसेस के लिए जो बीटा अपडेट है वो रोल आउट किया है। तो काफ़ी सारे यूजर्स पूछ रहे हैं कि और भी डिवाइसेस में बीटा अपडेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग हो सकता है कि सैमसंग S20 सीरीज और नोट 20 सीरीज में भी बीटा अपडेट दे, जो कि S20 सीरीज में S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा होगा और नोट 20 सीरीज में नोट 20, नोट 20 अल्ट्रा होगा। इन दोनों ही सीरीज के डिवाइसेस में, S20 सीरीज और नोट 20 सीरीज के डिवाइसेस में हो सकता है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में हमें जो बीटा अपडेट है वो देखने को मिले दोस्तों। और हो सकता है कि 10 अक्टूबर तक हमें बीटा अपडेट देखने को मिल जाए S20 सीरीज और नोट 20 सीरीज के लिए। बाकी बहुत ही जल्द एंड्रॉयड 13 बेस्ड वन UI 5.0 का बीटा 3 भी आने वाला है, जिसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स और फीचर्स के बारे में पता चलेगा। बाकी और जो बग्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको भी फिक्स किया जाने वाला है। तो देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है। और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।